तो गाइस यार कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइस ये वीडियो जो है ये घाघरा नदी का पार्ट नंबर 3 होगा। इसके पहले मैंने घाघरा नदी का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बनाया था, तो दोनों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, प्यार किया, तो उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो भी है। तो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि आप मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है, आपको कुछ जानकारी मिलती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, कर लेना। और ये वीडियो बनाने का मतलब पर्पज़ ये है, इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि कि मैंने सुना है कि वहाँ का जो कटान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसी कटान को देखने के लिए मैं फिर से जाने वाला हूँ। तो वहीं पर सोच रहा हूँ कि वीडियो भी शूट कर लेता हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते। तो दोस्तों यार यहाँ पर जिस रास्ते से हम जाते थे वो रास्ता तो घाघरा नदी के पानी ने ही काट दिया, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। और अगर हम दूसरी रास्ते से जाएंगे तो रास्ता बहुत लंबा पड़ता है। देखिए ये भैया जा रहे हैं पानी से, ऐसे ही वो पूरा पैंट वेंट उतार के जा रहे हैं, और देख सकते हैं आप लोग ये पानी कितना ज़्यादा भर गया है। तो इस साइड के आप लोग समझ सकते हैं कि जितने भी इस साइड में गांव होंगे जहां पर पानी भरा है, वो गांव, उन गांवों की हालत। गाइस यार आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पानी कैसे इतना मतलब ख़तरनाक लग रहा है। और ये देखिए कटान भी काफ़ी तेज़ है, कटान भी काफ़ी तेज़ है। और ये जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत है आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं, क्योंकि अभी पानी जो है बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है। अभी देख सकते हैं कि मिट्टी से केवल थोड़ा ही ऊपर है पानी, और ये पानी इतनी तेज़ चल रहा है, कटान इतनी तेज़ हो रहा है। ये देखिए आप, ये अभी ये मिट्टी गिर जाएगी, अभी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, एक दो मिनट के अंदर ही वो ये धार टूटती है और पूरी की पूरी मिट्टी गिर जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, और गाँव के लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं, जिसकी वजह से अब पहले लोग यहाँ पर कटान देखने नहीं आते थे, अब कटान इतना ज़्यादा है, पानी का बहाव इतना ज़्यादा था, तो देखिए गिर गया। अभी तुरंत अभी हुआ था, अभी दरार बनी थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो नदी का पानी है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि अगर इसमें कुछ भी गिर जाए, कोई आदमी ही क्यों ना गिर जाए, आदमी गिर जाए या कोई नाव आ जाए, तो उसका बचना, बाहर निकल पाना तो भाई नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं लग रहा। मतलब आदमी भी कोई जहाज चला जाए तो इसमें डूब तो जाएगा पक्का। तो इस नदी का कटान जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, और इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर नदी कब कट जाए। तो हम थोड़ा दूरी से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि साइड में जाकर बनाने में थोड़ा ख़तरा ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों यार आप लोग तो देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए कैसे गिर रही है। मतलब यार इतना ज़्यादा कटान है, इतनी तेज़ नदी के काट रही है कि क्या कहा जाए इसको, क्या, और कोई उपाय भी नहीं है, कोई उपाय भी इसमें कामयाब नहीं है कि क्या किया जाए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नदी का कटान है वो कितना ज्यादा है, ये देखिए मेरे साइड साइड में कटने ही वाली। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।